बारवाड़ी मिट्टी आप देख रहे हैं। आज है 19 दिसंबर 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि मार्ग शीर्ष माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। केरल में कोविड का नया सब वेरियंट JN.1 मिला है। इससे 17 दिसंबर को 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोविड पॉजिटिव शख्स की जान चली गई है। हालांकि यह पता नहीं चला है कि यह मरीज JN.1 वेरिएंट से संक्रमित है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर तो यह है, कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ा दी है। सिंगापुर में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से बढ़े हैं। वहां चिंता का माहौल है। संक्रमण में तेजी से उछाल के बाद सिंगापुर की सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। वहां की सरकार ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। पूरी दुनिया को इस बात का डर है कि कोरोना की कोई नई लहर शुरू न हो जाए। एक और बड़ी खबर, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और 1993 के मुंबई बम धमाके का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। दरअसल गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम कराची के एक अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर। अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद सिम कार्ड खरीदते हैं तो आपको अपनी बायोमेट्रिक डिटेल देनी होगी। यानी कि नए नियमों के मुताबिक ग्राहकों का EKYC जरूरी होगा। दरअसल आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़े हैं। अब इस प्रकार की ठगी और स्पैम से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव किया है और कंपनियां अगर इन नियमों को फॉलो नहीं करती है तो टेलीकॉम नेटवर्क को सस्पेंड भी सरकार कर सकती है। इसको लेकर लोकसभा में बिल भी पेश किया गया है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ जयपुर से हो गया है। यह अभियान विधानसभा स्तर पर चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा से इस अभियान की शुरुआत की है। दरअसल आपको बता दूं, इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं के शिविर लगाए जाएंगे जहां लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करके उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और इन शिविरों में चिकित्सा कैंप भी लगाए जाएंगे जहां आमजन की जांचें हो सकेगी। सीएम ने कहा है कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रोज कितने लाभार्थियों ने शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाया उसका डेटा रखा जाए। वहीं सीएम भजनलाल ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि अगर किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला तो इसकी क्या वजह रही, इसका जवाब भी अधिकारियों को ही देना होगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, प्रदेश में अब भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र जल्द बुलाया जा सकता है। वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराप को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। शाम करीब 4:30 बजे राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद पेरवा भी मौजूद रहे। वहीं उनके सहयोग के लिए 3 वरिष्ठ विधायकों का पैनल भी बनाया गया है। इसमें विधायक दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर, इसके साथ ही राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है इसी हफ्ते 15 से लेकर 17 विधायक मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं और इनमें ज्यादातर चेहरे नए होंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल 7 बदमाशों को NIA कोर्ट ने जेल भेज दिया है। NIA ने 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था जहां से सभी को 2 जनवरी तक जेल भेजा गया है। दरअसल आपको बता दूं, गिरफ्तारी के बाद सभी बदमाशों से NIA अपने स्तर पर सोडाला थाने में पूछताछ कर रही है। मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट भी सुन लीजिए। उत्तर भारत से आ रही लगातार सर्द हवाओं के कारण राजस्थान के शहरों में तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है तो कई इलाकों में सूखी ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बीकानेर जोधपुर संभाग के 10 जिलों में 23 दिसंबर से बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू में बारिश हो सकती है। वहीं जोधपुर संभाग के जैसलमेर, फलोदी,
जहां पर भी बारिश हो सकती है, वहीं संभावना है कि नागौर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर के कुछ एरिया में भी इस सिस्टम का असर दिखाई दे सकता है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, चूरू जिले में सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन पेपर वायरल होने के बाद 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई है। और इस मामले में चूरू जिला समान परीक्षा संयोजक और बागला स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला गहलोत को निलंबित कर दिया है। और डीओ के आदेश पर सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं बड़ी खबर देखिए, पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया है। सराफा बाजार में सोना महंगा हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार दिल्ली में सोने की कीमत 100 रुपए बढ़कर 62,750 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। दरअसल मैं 24 कैरेट सोने की बात कर रहा हूं, जो कि सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, और जो गहने वगैरह बनते हैं वह 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल के भाव में आज भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।